देखिए कतला छोड़ा जा रहा है, कतला का साइज ये है। और सीट देखिए, सीट ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सेम लेवल का, जिससे आप लोगों को पता लगे। नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवाइस फिश फार्मिंग चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं मेनली डिस्कशन करने वाला हूं स्टॉकिंग डेंसिटी के ऊपर। स्टॉकिंग डेंसिटी मतलब एक एकड़ में हमें कितना मछली छोड़ना चाहिए और किस लेवल में छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इन्हीं को ठीक से समझ में आ जाए तो तब भी फिश फार्मिंग काफी हद तक हम लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि अनगिनत आदमी डेंसिटी में सबसे ज्यादा मार खाते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, पक्का वीडियो को प्रॉपर देखिएगा तभी चीज को समझना जरूरी है, आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई चीज छूटेगा फिर आप लोगों के लिए दिक्कत क्रिएट हो सकता है। जो मैं बताना चाहता हूँ वो थोड़ा कृपया समझने की कोशिश करिए। और जो भी नए बंदे देख रहे हैं पक्का चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए मैं बेसिक वीडियो फिश फार्मिंग का बनाता हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगा फिश फार्मिंग आगे लेके जाने के लिए। चलिए अभी शुरू करते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी के ऊपर। देखिए स्टॉकिंग डेंसिटी एक ऐसा चीज है, मछली कितना घना छोड़ेंगे और कौन सा मछली, वो हर मछली के लिए अलग अलग है, इसीलिए उन मछली के बिहेवियर समझना पड़ता है। बिहेवियर के काफी सारे वीडियो है, आप लोग उनको देख सकते हो। फिर भी मैं आईएमसी का आज बात करता हूँ, फिर नेक्स्ट दिन कोई दूसरे मछली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज आईएमसी के मेनली बात करूंगा, उनके साथ जो अपना इंडियन मेजर कार्प होता है, एग्जॉस्टिंग कार्प जो बाहर से आए हुए कार्प हम लोग फार्मिंग करते हैं उनके साथ, उन्हीं का डेंसिटी के ऊपर बात करेंगे। मेन बात होता है एक्चुअली तालाब के अंदर कितना हम हार्वेस्ट लेना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है स्टॉकिंग डेंसिटी। जैसे मान के चलो हमें आधा किलो करके हमारा नजदीक वाला बाजार में सबसे ज्यादा अच्छा डिमांड है हाफ किलो फिश का, तो हाफ किलो फिश मुझे तालाब के अंदर बनाना है और क्या साइज में हम छोड़ेंगे, तो उसके ऊपर हम डेंसिटी को तय करेंगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए पर एकड़ हमें तालाब के अंदर कितना तक प्रोडक्शन लिया जा सकता है। अनकाउंटेबल बोलने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे आदमी बहुत कुछ बोलते हैं, जो हकीकत बोलता है हकीकत या प्रैक्टिकली जो चीज है मैं उसी की चीज बताता हूँ। करने के लिए उससे ज्यादा भी किया जा सकता है, मैं थोड़ा कम करके बोलता हूँ, इसलिए जो आप लोगों को वो चीज आसानी से अचीव हो जाए और आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप और भी ज्यादा किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक। आपको हार्वेस्टिंग पहले बात करता हूँ, कितने तक हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, इनमें भी डिपेंड होता है किस साइज का हार्वेस्टिंग करोगे। मान के चलो मैं एक एकड़ में एक किलो साइज का मछली का हार्वेस्टिंग करूंगा, एक किलो साइज का अगर हार्वेस्टिंग मुझे करना है तो पर एकड़ में हम लोग 25 से 30 क्विंटल, इससे ज्यादा हार्वेस्टिंग अगर करना जाएंगे तो हमारा तालाब के अंदर बहुत सारे दिक्कत होगा, फिर वो दिक्कत को सामना करना हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा, मछली फिर ठीक से बढ़ेगा नहीं। अगर देखा जाता है पर एकड़ 20 क्विंटल तक अच्छे से ग्रोथ कर जाता है, तालाब के अंदर दिक्कत नहीं होता। 20 क्विंटल से जो 30 क्विंटल का लेवल है ना, वो थोड़ा फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने अच्छे मेंटेनेंस करते हैं, उनके मैनेजमेंट के ऊपर, वो कितना बारीकी से समझते हैं फिश फार्मिंग को। क्योंकि वो जैसे 20 क्विंटल जाएगा आप खुद सोचिए कितने ज्यादा बायोमास तालाब के अंदर चले जाते हैं, तो तालाब के अंदर इतने बायोमास जाएगा तो उनके शरीर के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके बहुत ज्यादा आपको तालाब के अंदर जो नेचुरल फीड है प्लैंकटन उनको भी जरूरत है, उसके साथ उनके शरीर से निकली हुई गंदगी भी तालाब के अंदर एक चैलेंज है, तो वो काफी हद तक बढ़ जाता है और पूरे के पूरे जो साइकिल है ना बहुत फास्ट होता है, तो इनको कंट्रोलिंग करना थोड़ा आना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है आसानी से आ सकता है, अगर आप ठीक से जानकारी है आप कर रहे हो तो इजीली आप जा सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत बंदे यहाँ मार खा जाता है, वो कागज कलम के हिसाब से चलते हैं, 30 क्विंटल 40 क्विंटल 50 क्विंटल 50, मछली छोड़ दिया तो 50 क्विंटल ले लूंगा, ये अक्सर होते नहीं है। तो आप एक किलो तक साइज छोड़ेंगे अगर लेना चाहते हो तो आप मान के चलिए आपके तालाब के अंदर 25 से 30 क्विंटल
पर एकड़ आप प्रोडक्शन ले सकते हो एट ए टाइम। अगर इन्हीं को आप मल्टीपल कर सकते हो, चार चार महीने का अगर फार्मिंग करना चाहते हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन में बड़ा सीड छोड़ना पड़ेगा, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में करना चाहते हो तो आपको छोटा सीड छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल यही चीज़ है। अभी आप उनसे छोटा वाला जैसे हाफ किलो, हाफ किलो में क्या है अब 22 से 25 क्विंटल तक जा सकते हो, क्योंकि देखिए जितना छोटा होगा उनका घना उतना ज़्यादा होगा तो उनमें ज़्यादा दिक्कतें पैदा होगा, इसीलिए मेनली ऑक्सीजन का। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ पूरा के पूरा विदाउट एरिएशन का, एरिएशन में आप इनके साथ 20 क्विंटल सॉरी 10 क्विंटल और ऐड कर सकते हो, 10 से 15 क्विंटल इवन 20 क्विंटल तक और ऐड कर सकते हो। जैसे पार एकड़ वाला बात बोला मैंने, तो पार एकड़ में आप 50 क्विंटल तक, 40 से 50 क्विंटल तक आप आराम से हार्वेस्ट कर सकते हो अगर हमारे पास एरिएशन होता है जो तालाब के अंदर डीओ लेवल को इंक्रीज करता है जो एरिएशन है। तो आपको अगर हाफ किलो तक मछली लेके जाना चाहते हो तो आपको डेंसिटी उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपको 20 से 25 आपको मछली रखेंगे, सॉरी 20 से 25 क्विंटल तक ही हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। उससे छोटा अगर हमें 200 ग्राम तक करना चाहते हैं तो 20 क्विंटल तक, तो लगभग 18 से 20 क्विंटल। तो एवरेजली आप मानोगे तो मैं मानता हूँ बड़े मछली के लिए 30 क्विंटल, छोटे मछली के लिए 20 क्विंटल, इतना मैं मानता हूँ। ये इजीली हो जाता है, उससे ज़्यादा करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि फिर मछली में परेशानी शुरू होता है। जब फिर हम देखेंगे परेशानी को क्लियर करके भी आकर अगर लेके जाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, कभी गैसेस प्रॉब्लम हो जाए, कभी कोई बीमारी लग जाए, तो तरह तरह का कभी अर्गुलस लग जाए, क्योंकि जितना घना होगा ये पूरे चैलेंज आपको आएगा ही आएगा तालाब में, ये कोई वो नहीं होना ही होना है ये चीज़ आपको। लेकिन आपको और एक चीज़ देखना पड़ेगा, कभी कभी हम लोग सिर्फ जो फीस छोड़ रहे उसी फीस को काउंट करके रख देते हैं हमें इतनी हार्वेस्टिंग मिलेगा। अक्सर आपके तालाब में और भी सारे काफ़ी मछली रह जाते हैं, जैसे अनवांटेड छोटे फीस रह जाते हैं। जब छोटे फीस अनवांटेड फीस रह जाएगा तो उनके भी एक बायोमास है, दूसरी बात वो छोटे होने के कारण उनके डेंसिटी हाई होते हैं, तब ए लेवल आपको जाने में दिक्कत होगा। इसीलिए कोशिश आप लोग ऑलवेज करना, जब अगर फार्मिंग अच्छे से कर रहा हो तो अनवांटेड फीस को हटा के ही आप फार्मिंग करिए, जिससे आपको मतलब जो हम लोग मन मतलब एक प्लानिंग होना चाहिए जो हम इतने हार्वेस्टिंग करेंगे। और अगर बड़े मछली लेके जाना चाहते हो जैसे आप 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तो इनमें आप इससे ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर सकते हो, 40 क्विंटल 50 क्विंटल 60 क्विंटल तक आप आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इनके साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना बड़ा साइज होगा आप उतने ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको एक मछली अगर 1 किलो हो रहा तो एक मछली हुआ पर 4 किलो होगा तो आप डेंसिटी भी कम हो जाता है, तो ज़्यादा उनको स्पेस मिलता है, तो बीमारी लगता नहीं हो, मछली ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए अगर बड़े बहुत ज़्यादा बड़े मछली करना चाहोगे तो आपके तालाब के अंदर डेंसिटी कम रखना है, लेकिन उनको साइज को इंक्रीज करना है, तब जाके आप ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर सकते हो। आशा करता हूँ चीज़ को आप कितने तक आप प्रोडक्टिविटी ले सकते हो मैंने बताया। अभी डेंसिटी आता है, तो अगर 1 किलो तक भी बात सही है, अगर 1 किलो तक आप हार्वेस्टिंग करना चाहते हो तो कितना छोड़ोगे, आप छोड़ोगे 25 पीस छोड़ोगे पर डेसिमल। 25 पीस क्यों बोल रहा हूँ, 30 क्विंटल आपको हार्वेस्टिंग के बाद क्यों बोला मैंने, एक्चुअली क्या होता है इनमें आप लेयर वाइज मछली छोड़ते हैं, अपर लेयर, बीच वाला लेयर, नीचे वाला लेयर। अपर वाला लेयर में जो मछली आएगा उनको उनके सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी होते हैं अपर वाला लेयर में। बीच वाला लेयर मीडियम लेयर, इनके ग्रोथ मीडियम रहता है, नीचे वाला लेयर भी मीडियम रहता है। तो अगर हम 25 पीस भी छोड़ते हैं तो हम लास्ट तक देखेंगे एवरेजली हमें लगभग 1 किलो से ज़्यादा 30 क्विंटल तक पहुंच जाता है, क्योंकि ऊपर में होगा कातल होगा, सिल्वर होगा, या आपको ब्रिगेड होगा, इनके ग्रोथ अगर 1 किलो रोहू होगा तो 2 किलो तक पहुंच जाएगा। तब तक आपको जो डिफरेंस बोला था मैंने 5 फीस का, क्योंकि कम छोड़ने से मछली को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, मछली बहुत आसानी से ग्रो करेगा। और आपको दूसरी बात है प्लैंकटन उनको भरपूर मात्रा में मिलेगा जो उनको ग्रोथ करने में बहुत हद तक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको बाहर का फीड का कॉस्टिंग भी कम आएगा। ये होता है आपको 1 किलो 30 पीस तक छोड़ सकते हैं, ऐसे बात नहीं 30 पीस भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से फिश फार्मिंग को समझ जाइए, करके इतने क्रॉप ले लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप को इंक्रीज करिएगा।
अगर कोई हाफ किलो करना चाहता है तो कितना छोड़ेगा, 35 से 40 पीस। अगर उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। अगर 200 ग्राम तक करना चाहते हो तो 50 से 60 पीस 70 पीस। अगर आप 100 ग्राम तक करना चाहते हो तो आपको 100 पीस 150 पीस, मतलब 150 तक आप पर डेसिमल, या 200 तक आप आराम से तालाब के अंदर छोड़ सकते हो, जो आपको उतने हार्वेस्टिंग लास्ट तक दे देगा। लेकिन इनके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर फीड मैनेजमेंट, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, इनके प्रॉपर चीज को ध्यान देना पड़ेगा। आशा करता हूँ छोटा सा क्लिप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इस सीड स्टॉकिंग डेंसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आदमी को होता है। अनगिनत मछली छोड़ देते हैं, आदमी को समझ में नहीं आता कितना मेरा मछली है। अगर कोई किसी के पास जाते हो सलाह लेने के लिए, वही पूछता है आपके पास बायमास कितना है, आपके तालाब के अंदर क्या मेंटेनेंस, वो हर चीज क्लियर नहीं बोल पाता। तो वो जो बंदा आपको पास गए हो वो बंदा भी प्रॉपर आपको हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी अंदाज में ही आपको बताएगा, चीज को पूरा पता होगा तो उसको सही गाइडेंस आपको दे सकता है, जिससे आप फिश फार्मिंग को आगे तक लेके जा सकते हो। आशा करता हूँ मेरे छोटे छोटे क्लिप आप लोगों को फिश फार्मिंग में काफी हेल्प करता है। आप लोग ऐसे प्यार देते रहना, वीडियो को लाइक पक्का करना। जो बंदे मेरे वीडियो से काफी ज्यादा प्रभावित भी है और ज्यादा उनको हेल्प भी मिल रहा है, पक्का आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करना, जिससे और काफी सारे बंदे के पास जाए और फिश फार्मिंग को अच्छी तरीके से समझे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।